हाय फ्रेंड्स, आज मैं बड़ा सांभर की रेसिपी बताने जा रही हूँ, जो प्री मिक्स है, जो आप तैयार करके रख सकते हैं स्टोर करके। और इसके लिए सबसे पहले मैं सांभर के लिए आपको बता देती हूँ। ये एक कटोरी तुअर दाल है, जिसे अरहर दाल भी बोलते हैं। इसे इस तरह से धो लें, और अगर अगर धूप हो तो धूप में सुखा लें, अगर धूप ना हो तो जैसे इसका पानी जैसे ड्राई हो गया ना, ये बिल्कुल पानी निकल गया है, तो इस तरह से टॉवल में ले करके इसे इस तरह से फैला दें, फैला करके इस तरह से ऐसे करके ना बिल्कुल पानी इसका अच्छे से सुखा दें, कि जिससे क्या है ना कि ये स्टोर करना है ना तो ये ख़राब ना हो। इस तरह से करके फिर इसे हम कढ़ाई में भून लेंगे। इस तरह से देखिए, टॉवल में अच्छे से सुखा करके इसे कढ़ाई या पैन कोई भी लेकर ले लें, और इसे बिल्कुल बहुत हाई फ्लेम पर नहीं करना है, स्लो फ्लेम पर इसे धीरे धीरे भूनें, जिससे क्या है ना कि इसकी पानी बिल्कुल अच्छे से सूख जाएगी। उसके बाद इसका मैं पाउडर बनाऊंगी। तो इस तरह से मैं इसे अच्छे से बिल्कुल ड्राई कर लेती हूँ। एक कटोरी मैं तुअर दाल ली थी प्रीमिक्स सांभर के लिए, तो उसके लिए 2 चम्मच मैं चना दाल ली हूँ, 1 चम्मच उड़द दाल और 1 चम्मच चावल ली हूँ। इसे भी आप वैसे ही धो करके और इसे ड्राई करके भून लें, जिसके कारण ये ख़राब नहीं होगा, क्योंकि ये बाहर का होता है सामान, तो जिसमें पाउडर या केमिकल्स वगैरह होते हैं, इसके लिए धोना ज़रूरी है। दाल चावल को मैं अच्छे से उसे भून ली हूँ, बिल्कुल ड्राई कर ली, अभी उसे ठंडा होने के लिए रखी हूँ। तब तक मैं ये देखिए 1 चम्मच उसके मसाला की तैयारी कर रही हूँ। 1 चम्मच जीरा है, 1 चम्मच साबुत धनिया, 1/2 चम्मच मेथी दाना है, और आप हाफ टी स्पून काली मिर्च ले लीजिए, और इसमें थोड़ा सा जावित्री, दालचीनी, 2 इलायची और 5 लौंग लेकर के, और ये कश्मीरी लाल मिर्च है, ये 5-6 ये लेकर के इसे भी रोस्ट कर लेते हैं। इसे भी अच्छे से भून लेते हैं स्लो फ्लेम पे। ये मसाला थोड़ा भूनने के बाद इसमें मैं इमली डाल रही हूँ। आप इमली अपने खट्टा कितना पसंद है उस हिसाब से इसमें डालें, और इसमें ड्राई करी पत्ता है सूखेंगे, और इसमें 1 चम्मच लहसुन पाउडर है, 1 चम्मच अदरक पाउडर है, ये डाल देते हैं, और मैं इसमें 1 चम्मच प्याज का पाउडर भी डाल करके बस इसे थोड़ी देर के लिए ही इसे भून लेते हैं, क्योंकि ये इसे पीस लेंगे फिर। और ये मसालों की जो रेसिपी है ना, प्याज टमाटर में बहुत सारे मसालों की रेसिपी बनाई थी, तो उसका भी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक में दे दूँगी। इसमें थोड़ा 2 टेबल स्पून नारियल पाउडर डाल रही हूँ, और 1/2 टी स्पून हींग डाल रही हूँ। ये सब डाल करके मैं इसे थोड़ा हल्का गर्म करके मैं इसे अब मिक्सी के जार में डाल के पीस लूँगी। सारे मसाले और दाल को मैं पीस ली थी, अभी से मैं सब मिक्स करती हूँ। अभी मैं इसमें 1 चम्मच चीनी है, और 2 चम्मच नमक, 1 चम्मच हल्दी, 1 टी स्पून गरम मसाला है, और 1 चम्मच मैं मिर्च पाउडर डाल रही हूँ। आप नमक और मिर्च अपने स्वाद के हिसाब से इसमें डाल दें। इसे मिक्स कर लेती हूँ। इसमें सब कुछ मैं मिक्स कर दी हूँ, पर थोड़ा 1 चम्मच नमक, मिर्च और थोड़ी हल्दी मैं और भी इसमें डाली थी, और 1/2 टी स्पून के लगभग हींग डाली हूँ। सारा मैं इसमें जो भी मैं डाल रही हूँ उसका मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं सारे डिटेल में दे दूंगी। अभी इसके तड़का के लिए देखिए, 1 चम्मच जीरा है, 1 चम्मच राई है, लाल मिर्च है और करी पत्ता है, बस बिल्कुल इसमें तेल बिल्कुल 1/2 चम्मच कि बस ये इसमें मतलब मिक्स हो जाए, ज़्यादा तेल नहीं डालना है, क्योंकि ये तड़का भी मैं इसी में ऐड करके रखूँगी। ये 2 से 3 महीने तक ख़राब नहीं होता है स्टोर करने पर भी। अभी से ठंडा हो जाने के बाद इसे डाल करके मिक्स कर लें अच्छे से, और एयर टाइट डब्बे में भर के रख लूँ। अब मैं बड़ा के लिए प्रीमिक्स तैयार कर रही हूँ। बड़ा के लिए ये देखिए, ये भी उड़द दाल को मैं वैसे ही धो करके ड्राई करके इसे भून करके पीस ली थी। अब ये है 1 कटोरी ये उड़द दाल है, और ये धनिया पत्ता और कड़ी पत्ता है। ये धनिया पत्ता को आप फ्रेश ले लें, और उसे थोड़ा मतलब सूखने के लिए टॉवल पे उसे भी पानी निचोड़ करके अच्छे से सुखा दें, और इस तरह से ड्राई हो जाता है। इसे एक दिन पंखे में छोड़ दें तो ड्राई हो जाता है इस तरह से। और ये हरी मिर्ची है, ये हरी मिर्ची को भी मैं सूखने के लिए छोड़ दी थी।
अभी मैं इसमें अदरक है, अदरक पाउडर है 1 टीस्पून, काली मिर्च 1 टीस्पून, नमक है अपने स्वाद के हिसाब से 1 टीस्पून है, 1.5 है, और ये है नींबू का फूल है, ये नींबू का फूल 1/2 टीस्पून डाल रही हूँ, और इसमें 2 टेबलस्पून सूजी मैं डाल रही हूँ, उसे भी मैं भून ली हूँ। सूजी भूनने के बाद अभी इसमें मैं धनिया पत्ता, कड़ी पत्ता और हरी मिर्च डाल के इसे भी थोड़ा भून लेती हूँ, ड्राई कर लेती हूँ, जिसके कारण ये अच्छे से पीस जाएगा। मैं इसमें 1 चम्मच प्याज का पाउडर भी डाली हूँ, अगर आपके पास प्याज का पाउडर हो तो डालें, नहीं तो मार्केट में मिल जाता है, और इसे डाल करके मैं पीस लेती हूँ। अब इसमें सारे चीज़ हम डाल देते हैं, और इसमें एक मेन चीज़ और है, ये बेकिंग सोडा है, बेकिंग सोडा 1/2 टीस्पून डाल देते हैं। अगर आप अभी नहीं डालेंगे तो बनाने के टाइम जब आपको बनाना हो उस टाइम भी आप डाल सकते हैं, डाल के इसे मिक्स कर लेते हैं। ये बड़ा प्री मिक्स तैयार हो गया और ये सांभर प्री मिक्स तैयार हो गया। अभी मैं इसको बनाने के लिए कि कैसे बनाते हैं वो भी मैं बता देती हूँ। इसमें 2-3 चुटकी मैं हींग डाली हूँ, और अब इसकी कैसे बड़े बनाने हैं वो मैं बताती हूँ। अभी मैं इसमें नॉर्मल पानी ले करके इसका एक डो तैयार कर लेते हैं, इसका इस तरह से पानी डाल करके इसको मैं तैयार कर ली हूँ, देखिए अभी ये इस तरह से है, और इसे अभी मैं 15 से 20 मिनट के लिए इसे रेस्ट करने के लिए छोड़ देती हूँ। अब मैं जब तक वो बड़ा का पेस्ट रेस्ट कर रहा है तब तक मैं सांभर की तैयारी कर लेती हूँ। सांभर के लिए मैं 1 चम्मच तेल डाली हूँ, और इसमें अगर आपको सब्जी डालना है तो इसके बाद आप सब्जी डाल लें, अगर सब्जी वाली ना बनानी हो तो डायरेक्ट इसको डाल के आप पानी डाल दें। मैं इसमें सब्जी डाल के बना रही हूँ, इसलिए सब्जी डाल के बस थोड़ा सा इसे फ्राई कर लेते हैं। आपको जितनी सांभर बनानी है उतना बनाएं, और इसका पानी थोड़ा ज़्यादा डालें क्योंकि थोड़ा ये ठंडा होता है तो थोड़ा फूलता भी है, और इस तरह से इसे 10 मिनट तक बनने दें। देखिए कितना जल्दी हमारा सांभर भी तैयार हो गया। जो लोग बैचलर हैं उनके लिए बिल्कुल झंझट नहीं है, कभी भी चाहें तो वो बना सकते हैं। ये सांभर बिल्कुल रेडी हो गया है, अभी मैं इसे उतार के हटा देती हूँ और बड़े की तैयारी करती हूँ। देखिए मैं बड़ा तल लेती हूँ। अब ये बड़े का जो मैं प्रीमिक्स बनाई हूँ तो इसमें मैं धनिया और मिर्च का जो मैं ड्राई करके डाली हूँ, आप इसे बाद में भी आप डाल सकते हैं, फ्रेश भी डाल सकते हैं, प्याज धनिया मिर्ची इस तरह से। इसे मीडियम फ्लेम पे तल लें। इसे कलर ये इस तरह से गोल्डन ब्राउन होने तक मैं तल ली हूँ बड़ा, और ये सांभर गरम गरम सांभर बड़ा तैयार है। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और फैमिली फ्रेंड को शेयर भी करें। थैंक यू।